हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और स्वागत है आप लोगों का डिजिटल विला में। दोस्तों, आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, अगर आप एक ब्लॉगर हैं, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो जो हमारा जो मोनेटाइजेशन का सोर्स होता है जिससे हम अर्निंग करते, वो होता है गूगल एडसेंस आमतौर पर, मोस्टली अगर मैं बात करूं। पर जरूरी नहीं है कि हर बार हर किसी का गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल ही जाए, या कभी कभी गूगल एड्स की लिमिट लग जाती है, या कभी कभी पिन वेरिफिकेशन नहीं होता, या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होता, और इस वजह से हम अपने ट्रैफिक को, अपने ब्लॉग के ट्रैफिक को मोनेटाइज नहीं कर सकते। सो मैं भी कुछ उनमें से एक हूँ जिसका मोनेटाइजेशन नहीं हो पाया था किसी वजह से, और आज भी मेरा जो पेमेंट है ऑन होल्ड है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ, अगर आपका एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं है। आज हम क्या करेंगे, आज ऐसे कुछ वेबसाइट को जानेंगे, कुछ अल्टरनेटिव को जानेंगे जो गूगल एडसेंस का ही एक अल्टरनेटिव है और इससे ज़्यादा पे करता है और इससे जल्दी पे करता है। सो आई होप आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा वेबसाइट है वो है इन्फोलिंक। इन्फोलिंक के बारे में आपने सुना होगा, और इन्फोलिंक भी एक तरीके से हमारा मोनेटाइजेशन सोर्स है, बिल्कुल गूगल एडसेंस की तरह, और यहाँ से भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपका अब सवाल ये होगा कि हमें ये बताओ कि कितना ट्रैफिक चाहिए इन्फोलिंक के लिए अप्लाई करने के लिए। इन्फोलिंक का जो अप्लाई करने के लिए जो ट्रैफिक चाहिए अपने को, इन्होंने कोई एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कि भाई इतना ट्रैफिक चाहिए, 10,000 सेशन चाहिए या इतना चाहिए, ऐसा उन्होंने कुछ अभी तक तो इनके वेबसाइट के अनुसार या इनके जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। और इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारा ट्रैफिक कोई कनाडा से चाहिए या US से चाहिए या UK से चाहिए। इनका जो ट्रैफिक सोर्स आप कहीं से भी ले सकते हो, चाहे आपका हिंदी ब्लॉग हो या इंग्लिश ब्लॉग हो, किसी भी ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये था इन्फो लिंक के बारे में। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि इन्फो लिंक का भाई पेमेंट कभी, पेमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलवेज व्हेन इट कम्स टू। तो देखो यार, ये जो पेमेंट करता है इन्फो लिंक, चार तरीक़ों से करता है। आप देख सकते हो, पेपल से करता है, ई चेक से करता है, ACH से करता है, पाइनियर से करता है, और इसका जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है वो $50 है। मतलब अगर आपका $50 होता है तो आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आप बैंक वायर ट्रांसफ़र करते हो, मतलब अगर बैंक में आप पैसे मंगवाते हो, तो उसका थ्रेश होल्ड है $100। तो $100 आप पेमेंट ले सकते हो, और इसका जो पेमेंट होता है वो जनरली क्या आता है कि 45 डेज़ के अराउंड आता है। जैसे वो गूगल एडसेंस में है, मंथ लगता है उसके 15 डेज़ बाद ये हमको पेमेंट देते हैं। तो ये तो इन्फो लिंक की बात हो गई, आप समझ गए होंगे इन्फो लिंक। अच्छा, जो नेक्स्ट मूव करते हैं भैया, ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लॉगर्स के लिए। जैसे ही गूगल एडसेंस आपको अप्रूव नहीं करता है, अनअप्रूव कर देता है, तो ध्यान रखना कि जो इजोइक है ना, इजोइक है सर्टिफाइड पब्लिशिंग पार्टनर गूगल का, और ट्रस्ट मी, ये गूगल से ज़्यादा पैसे पे करता है आपको, अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, कि भाई आपके ब्लॉग में कितना ट्रैफिक होना चाहिए तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होगी। देखो यार, इसने साफ साफ यहाँ कहा हुआ है कि ग्रोइंग साइट विथ लेस देन 10,000 मंथली व्यूज विल नीड टू साइन अप थ्रू एक्सेस नाउ प्रोग्राम। 10,000 अगर आपका मंथली व्यूज है, यानी आपके एनालिटिक में, गूगल एनालिटिक में 10,000 मंथली व्यूज आते हैं मंथ के, जो कि आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो अप्रूव या डिसअप्रूव जो ये तय करते हैं वो 24 to 48 आवर्स में आपको पता लग जाता है। अच्छा, तो अभी आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई इस कैसे हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं। तो जो जहाँ तक मैं इसको जानता हूँ, जितना मैंने इसको यूज़ किया है, तो इसके जो पेमेंट लेने के तरीके वही है कि भाई या तो आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले सकते हो, या पेपल के थ्रू ले सकते हो, या चेक के थ्रू ले सकते हो। तीन तरीके से आपको पेमेंट यहाँ मिलता है, और जो इसका थ्रेश होल्ड है, मतलब जितना आप मिनिमम निकाल सकते हो, वो है $20। और जो इसका ट्रैफिक, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया आपका ट्रैफिक UK का हो, US का हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप हिंदी ब्लॉग चलाते हो, इंग्लिश ब्लॉग चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, आप यहाँ से अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो और पेमेंट ले सकते हो। चलो अब बात करते हैं थर्ड की। जो हमारा थर्ड है वो है media.net। अब media.net बहुत अच्छा, ये भी एक एडसेंस का अल्टरनेटिव है, बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इट डज़ नॉट अप्रूव हिंदी वेबसाइट। ये हिंदी वेबसाइट को अप्रूवमेंट नहीं देता है, अप्रूव नहीं करता है, क्योंकि इसने साफ लिखा है कि रिसीव मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक फ्रॉम UK, US और कनाडा। मतलब
आप इसके लिए तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका ट्रैफिक यूएस, यूके और या कनाडा से आता हो। या तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हिंदी ब्लॉग तो यहाँ ना के बराबर नहीं चलने वाला है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका ट्रैफिक यहाँ से आता है, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है गूगल एडसेंस के प्रति, और ये आपको बहुत अच्छा पेमेंट भी देते हैं, इनके बहुत सारे पार्टनर्स हैं। तो जो आगे क्या है वो है हमारा ये है प्रॉपलर एड। जो प्रॉपलर एड है इसकी बात करते हैं। एक्चुअली आई यूज दैट वंस, मैंने इसका एक बार यूज़ किया था अपने वेबसाइट में। इनका भी एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं कि कितने पेज व्यूज आपके होने चाहिए तब जाके ये लगेगा, ऐसा इन्होंने कुछ मेंशन करा नहीं है। और आपका ट्रैफिक कहीं का भी हो, आपका इंग्लिश ब्लॉग हो, हिंदी ब्लॉग हो, फिर भी ये आपको अप्रूव कर देते हैं। और बेस्ट पार्ट यहाँ ये है कि आप जो पेमेंट ले सकते हो पेपल से, वायर ट्रांसफर से और इन सब तो ले ही सकते हो, लेकिन जो आपका मिनिमम विड्रॉल है और थ्रेशोल्ड है वो ओनली $5 है। जैसे ही आप $5 कंप्लीट करते हो यू कैन गेट मनी इन योर बैंक। तो इतना आसान है। तो अगर आपको गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करता है तो वाई डोंट यू गो फॉर इट, इस पे जाओ, यहाँ से अर्निंग करो। चलो बात करते हैं हमारा जो लास्ट है बिड एडवर्टाइजर डॉट कॉम। ठीक है, तो बिड एडवर्टाइजर डॉट कॉम भी एक बहुत अच्छा जरिया है, बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है अर्न करने का अगर आप एक ब्लॉगर हो। तो इसमें क्या है कि भाई इसका जो थ्रेश होल्ड है, मतलब जितना पेमेंट आप निकाल सकते हो, वो $10 है। $10 पे आप अपना पेमेंट ले सकते हो, पेपल के थ्रू ले सकते हो या अदर जो मीडियम है उनके थ्रू आप ले सकते हो, वायर ट्रांसफ़र या बिटकॉइन में भी आप ले सकते हो जो आजकल बहुत चलता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से भी पेमेंट ले सकते हो। और यहाँ भी जो है, यहाँ भी कोई वो नहीं है कि आपका ट्रैफिक यूके से हो, यूएस से हो, तभी जाके आप यहाँ से मोनेटाइज करोगे अपने ब्लॉग को। आप मोनेटाइज कर सकते हो चाहे आपका ब्लॉग हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप हमेशा के लिए डिपेंड नहीं रहोगे कि मुझे गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिलेगा तभी जाके मैं अर्न करूँगा या मोनेटाइजेशन ऑन करूँगा अपने वेबसाइट का। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे इन्फो लिंक हो गया, एजोइक हो गया, मीडिया डॉट नेट हो गया, बिड एडवर्टाइजर हो गया, प्रॉपुलर एड्स हो गए। तो इन सब का यूज़ करके भी आप पैसे कमा सकते हो और उससे कम में आप थ्रेशोल्ड में निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप $100 का ही वेट करो। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।